तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, डिलीट द मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। यू आर गिवन अ हेड, हमें लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है, हमें डिलीट क्या करना है, मिडल एलिमेंट यानी मिडल नोड को, और फिर रिटर्न करना है जो मॉडिफाई हेड होगा। मिडल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि अगर उसका साइज एन है तो एन बाई टू का जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा वो वाला नोड होगा। और हम काउंटिंग कैसे करेंगे, जीरो बेस इंडेक्सिंग से। जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो टोटल कितने नोड है, इसमें सेवन नोड है, सेवन बाई टू करेंगे 3.5, यानी उसका जो लार्जेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3। यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो बेस इंडेक्स, जीरो फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, यानी इसको डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के बाद जो भी हमारा हेड होगा उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका अप्रोच देखते हैं। तो नॉर्मल अप्रोच क्या आता है, जब भी मिडल का बात होता है तो वही पहले क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे, इसमें कितने नोड है। ठीक है, इसमें कितने नोड है, टोटल सेवन नोड है, सेवन बाई टू करेंगे, सेवन बाई टू आएगा, इंटीजर में थ्री आ जाएगा। और फिर एक काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट इनिशियली ज़ीरो। ठीक है, एक करंट लिया, करंट इनिशियली हेड को करेगा पॉइंट, और एक प्रीवियस लेंगे। प्रीवियस का ट्रैक क्यों रख रहे हैं, ये देखो जब मैं इस नोड को डिलीट करूँगा तो ये पीछे वाला कनेक्शन ही मुझे आगे तक लेके जाएगा, आगे से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब इस सिंपल अप्रोच को देखते जरा। तो इनिशियली यहाँ पे करंट होगा और प्रीवियस क्या होगा, नल पे, प्रीवियस नल है। एक काउंट लेंगे, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो जीरो से स्टार्ट करें। काउंट जब तक एन बाई टू के इक्वल ना हो, यानी एन बाई टू यहाँ पे क्या आएगा, थ्री आएगा, सेवन है ना, यहाँ पे इक्वल ना हो तब तक हम इसे क्या करेंगे, करंट को करंट का नेक्स्ट कर देंगे। फिर हम पहले चेक करें क्या करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो करंट को शिफ्ट कर दो, यहाँ करंट यहाँ आ जाएगा। और प्रीवियस को क्या कर देंगे, जो पहले करंट था, यानी ये आ गया प्रीवियस, अकाउंट को एक बढ़ा दिया। फिर हमने चेक किया क्या ये इक्वल है, नहीं अभी भी इक्वल नहीं है, तो करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया और प्रीवियस आ जाएगा करंट की जगह, तो प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे, और ये बढ़ के टू हो जाएगा। क्या अभी इक्वल है, नहीं, तो करंट को फिर से नेक्स्ट किया तो करंट यहाँ आ गया और प्रीवियस आ जाएगा इसके पीछे, प्रीवियस काउंट को एक बढ़ाया, थ्री। और जब ये थ्री इसके इक्वल आ गया, तो जब इक्वल आएंगे तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर हमें क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन। डिलीट कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ, अब देखो सिंपल लिंक लिस्ट में इजी क्वेश्चन होते हैं हमेशा। इजी क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं ना वही लिखना होता है कोड में। तो इसमें लिखेंगे क्या, आप ही सोचो क्या करेंगे, इसे हमें हटाना है, इस कनेक्शन को ना हटा देना है, यहाँ से भी हटाना है यहाँ से। तो ये कनेक्शन को मुझे क्या करना होगा, जो राइट साइड का पार्ट है उससे कनेक्ट करना होगा, यानी ये है क्या वैसे, प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर। यही होता है ना लिंक लिस्ट, ऐसे होता है, उसमें एक डेटा होता है लेट सपोज फाइव, और भी एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो नेक्स्ट को किससे कनेक्ट करना है, इस वन के साथ, तो बस इसको यहाँ से ये कनेक्ट कर दो। और फिर ये कनेक्शन तोड़ना है तो इसको क्या कर दो, नल कर दो। तो ऑटोमेटिकली देखो ये हट गया यहाँ से और ये भी हट गया, तो देखो ये नोड फ्री हो गया और ये हमारा लिंक आ गया और ये हेड रिटर्न कर देंगे, समझ गए। ये नॉर्मल अप्रोच हो गया। अब इसका कोड देख लेते हैं, फिर दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर देखो ये अगर हेड का नेक्स्ट नल हुआ, यानी एक ही नोड है उसमें, ये हो गया सिंगल नोड। अब सिंगल नोड का मिडल क्या होगा, वो सिंगल नोड खुद होगा, यानी उसी को डिलीट कर दिया तो रिटर्न क्या आएगा, सिर्फ नल। तो ये हो गया बेस केस, मतलब ये। फिर हमने क्या निकाला, एन निकाला। एन क्या है कि कितने टोटल नोड है, उसका फंक्शन देखो सॉल्व, उसमें हेड पास किया। अगर हेड नल हुआ, हेड नल हुआ मतलब एक भी एलिमेंट ही है, तो उसका लेंथ क्या होगा, जीरो। और फिर इनिशियली लेंथ की वैल्यू वन से स्टार्ट किया। वन से क्यों किया, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्स है, लेकिन वो है तो एक नोड ना, नहीं तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर लो और इसमें लेंथ प्लस वन कर लो, एक ही बात है। क्योंकि देखो अगर मैं थ्री पे हूँ तो टोटल कितने नोड हो गए, फोर, इंडेक्स तो थ्री है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल नोड कितने, वो एन आ गया। फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ ट्रैवर्स करने के लिए एक प्रीवियस लेंगे जो कि नल को पॉइंट करेगा, एक करंट लेंगे जो कि हेड को पॉइंट करेगा, एक काउंट लेंगे ज़ीरो। काउंट जब तक एन बाई टू नहीं है, हम क्या कर रहे थे, करंट का नेक्स्ट चेक कर रहे थे नल है कि, तो प्रीवियस जो था देखो क्या कर रहे थे, पहले प्रीवियस नल पे था और करंट इस पोजीशन पे था, तो हमने कहा कि करंट को आगे बढ़ा दो, उससे पहले प्रीवियस को करंट के इक्वल कर दो।
तो प्रीवियस क्या हो गया करंट, और करंट को एक आगे बढ़ा दिया और काउंट को बढ़ा दिया। फिर दोबारा गए वाइल लूप में चेक करने क्या एन बाई टू के इक्वल है, नहीं। तो ये जब हम ऑपरेशन कर लेंगे तो हमारा करंट कहाँ आ जाएगा, उस नोड पे जिसे हमें डिलीट करना है, और प्रीवियस क्या आएगा उसके पीछे वाला। फिर ठीक है वही दो कनेक्शन बना लेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट कर दिया, जो प्रीवियस का नेक्स्ट ये है उसको करंट का नेक्स्ट कर दिया, करंट ये था ना इसका नेक्स्ट गया वन, ठीक है। फिर करंट के नेक्स्ट को नल कर दिया, करंट के नेक्स्ट को नल कर दिया, और फिर करंट को डिलीट कर दिया। भैया ये क्यों कर रहे थे, ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा ये पार्ट, इसको कमेंट कर दो रिटर्न हेड तो भी चल जाएगा ये, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा, बस स्पेस मेमोरी बच जाएगी थोड़ी, क्योंकि ये अभी मेमोरी में पड़ा हुआ है ना, उसे डिलीट कर देंगे तो फ्री हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल अप्रोच। अच्छा इसे सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन बाई टू। ऑर्डर ऑफ एन क्योंकि हमने पूरे नोड को ट्रेवल्स करके क्या निकाला था कि कितने टोटल नोड है, एन बाई टू। अभी देखो करंट को यहाँ शिफ्ट करने के लिए, देखो यहाँ से हम हाफ तक ही चल के आए ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच देखो, इसमें हम एक्स्ट्रा ओ एन क्यू ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें काउंट करना पड़ रहा था कि नोड कितना है, क्या हम इसे इसके बिना कर सकते हैं, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं दो पॉइंटर की हेल्प से, दो पॉइंटर होता है, एक स्लो लेते हैं स्लो और एक होता है फास्ट। स्लो इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, हेड को, और फास्ट किसको पॉइंट करेगा, हेड के नेक्स्ट को, ये फास्ट हो। स्लो दो एक स्टेप चलेगा, एक स्टेप, फास्ट कितने स्टेप चलेगा, दो स्टेप, ठीक है। अब देखो फास्ट दो स्टेप चल रहा है, तो हमें एक ही कंडीशन चेक करना होगी, फास्ट का नेक्स्ट होना चाहिए और उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट भी होना चाहिए, दो नोड होना चाहिए ना उसके आगे। स्लो का कोई कंडीशन चेक करेंगे नहीं देने, नहीं, क्योंकि स्लो तो आगे एक स्टेप जाएगा, एक स्टेप आगे तो पहले से ही फास्ट है, तो नोड प्रेजेंट है, फास्ट के लिए देखेंगे बस। तो मैंने देखा क्या फास्ट के आगे दो नोड है, हाँ है, फास्ट को क्या करो दो स्टेप चला दो, देखो फास्ट यहाँ आ जाएगा दो स्टेप चलने का, ठीक है। जब फास्ट दो चलता है तो स्लो कितना चलेगा, एक, स्लो यहाँ चलेगा तो स्लो आ गया इस पर। फिर से हमने चेक किया क्या दो नोड और आगे एग्जिस्ट करते, हाँ करते हैं, तो फास्ट को फिर दो नोड कर दो और स्लो को एक स्टेप चला दो, स्लो ये स्लो चल गया। फिर क्या फास्ट के आगे दो नोड है, नहीं, तो बस यहीं रुक जाओ, तो फाइनल फास्ट का आ गया और स्लो वो देखते हैं। फाइनली हमारा स्लो यहाँ पे आ चुका है और फास्ट यहाँ पे आ चुका है। स्लो जिस पॉइंट पे है उससे हमें नेक्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है, इसे डिलीट करना है। देखो सिंपल क्या कर सकते हैं, स्लो का जो नेक्स्ट है इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट उसे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल इसमें और क्या करेगा, स्लो यहाँ पे है, इसमें भी एक प्रीवियस का ट्रैक ले लो, प्रीवियस प्रीवियस इनिशियली नल था, जो पहले प्रीवियस पहले नल था, फिर प्रीवियस इस पे आया, प्रीवियस फिर इस पे आया, प्रीवियस मतलब जो भी स्लो होगा ना, पहले जो स्लो था स्लो अभी यहाँ पे है, तो प्रीवियस क्या होगा उसके पीछे वाला प्रीवियस, ठीक है। अब दो, अब क्योंकि प्रीवियस का ट्रैक ले रहे तो बस स्लो को क्या कर देंगे, लास्ट में एक स्टेप और एक्स्ट्रा चला देंगे, स्लो यहाँ से यहाँ आ गया, तो प्रीवियस क्या हो जाता था, जो पहले स्लो था स्लो ये आ गया प्रीवियस, बस आप बात खत्म हो गया। दोबारा से वही स्टेप लगा दो कि प्रीवियस के नेक्स्ट को, प्रीवियस का नेक्स्ट ये, इसको कनेक्ट कर दो स्लो के नेक्स्ट से और स्लो के नेक्स्ट को नल कर दो, जो उसमें हम पिछले वाले मेथड में कर रहे थे प्रीवियस और करंट के साथ, यहाँ स्लो के साथ। अब देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ सिर्फ एन बाई टू, क्योंकि हम हाफ में ही ट्रेवल कर गए, स्लो क्योंकि एक स्टेप चल रहा है और फास्ट दो स्टेप चल रहा है, तो जब फास्ट एंड के पास होगा ना तो स्लो कहाँ होगा, मिडल के पास, समझ रहे हो, तो ये एन बाई टू आ गया। इसकी ओवरऑल तो एन ही आएगी पर उससे ज़्यादा एफिशिएंट है ये मेथड, तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कि अगर एक ही नोड है
तो वही मिडल एलिमेंट होगा, तो उसको डिलीट करके नल रिटर्न कर दिया। दूसरा एक स्लो ले रहे थे जो हेड को पॉइंट कर रहा था, और फास्ट कहाँ ले रहे थे, हेड के नेक्स्ट पे, प्रीवियस नल। हम चेक क्या कर रहे थे कि फास्ट का नेक्स्ट होना चाहिए और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी दो नोड होने चाहिए फास्ट के आगे। अगर ऐसा है तो देखो प्रीवियस को हम क्या कर रहे थे, जो पहले स्लो था, अब फिर स्लो को आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप स्लो एक स्टेप चलेगा, एक स्टेप, और फास्ट कितना चलेगा, दो स्टेप, दो स्टेप। तो इसलिए कह रहा फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट दो स्टेप। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा स्लो किसको पॉइंट करेगा, जस्ट पीछे वाला एलिमेंट, स्लो यहाँ पे होगा, स्लो को एक एक्स्ट्रा स्टेप चला दो। एक एक्स्ट्रा स्टेप कैसे चलाएंगे, प्रीवियस को फिर से स्लो किया और स्लो को एक मूव करा दिया। तो अब स्लो वाले को डिलीट करना है, तो क्या करते थे, प्रीवियस के नेक्स्ट को, तो ये प्रीवियस है, इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रीवियस है और ये है स्लो, प्रीवियस के नेक्स्ट ये वाला है और स्लो का नेक्स्ट ये वन है, तो इसको कनेक्ट कर दो। तो वही यहाँ लिखा है, और फिर डिलीट कर दो स्लो को और रिटर्न कर दो हेड। ठीक है, चल गया। तो ये दो मेथड थे इस प्रॉब्लम के, ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, सबमिट भी कर सकते हो। इसमें कितना रन टाइम स्पीड देखो, और इसमें देखो, तो ये वाला ज़्यादा फास्ट है सॉल्यूशन। मेमोरी तो उतना ही ले रहा है क्योंकि तो इसमें भी डिलीट ही कर रहे हैं नोड को और उसके अलावा कुछ नहीं, तो ये होगा। इसी टाइप में एक और प्रॉब्लम है, ये इसको ना सॉल्व करके आना, सेम कैसे क्या इसमें प्रॉब्लम है, कह रहा है इसको रीड करके, अभी जो बताया उनमें से एक चीज़ लगेगा इसमें बस, तो इसको भी करके आना, मिडल ऑफ द इंग्लिश। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।